ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ජේතවන් කී ගතර් කතා හැ දම්පද නම්බර් 69 යා 69 එකම් 70 69 ये उपल वर्णा की कहानी है। बेसिकली जो वर्णा शब्द है इसमें उपल और वर्णा संज्ञा क्या है। वर्णा का मतलब होता है वे आधा णे और पूरा णे वर्ण, जिसको बाद में वर्ण बोला गया, वे लगाया गया, जबकि रे पाली में नहीं होता। जैसे सेत वर्ण बोलेंगे, सेत का मतलब सफेद, वर्ण का मतलब रंग। जैसे सामा वर्णा बोलेंगे तो सामा का मतलब होता है साम का जो सालक, जो काला जैसा रंग होता है वो श्यामा रंग बोलते हैं इसको, सेत को श्वेत बोलते हैं। जैसे पीत वर्णा हो गया पीला वर्ण वाला, जैसे हरित वर्णा का मतलब है हरे रंग वाला, लोहित वर्ण का मतलब है तांबे या लोहे जैसे रंग वाला, और अगर लोह वर्ण का मतलब होता है तांबे और लोहे जैसा, और लोहित माने होता है रंग, तो लाल रंग यानी खून जैसे रंग वाला। तो इसका मतलब वर्णा का मतलब रंग होता है। और बाद में जो सेत लोग थे यानी जो बाहर से आए सफेद लोग, उनको अवर्ण कहा गया। अवर्ण का मतलब है जिनका रंग नहीं था कोई भी। यहाँ के लोगों को सुवर्ण कहा गया यानी जो सुनहरा रंग रखते थे, हिरण जैसा रंग रखते थे, और जो जैसा सूरज का ढलता हुआ रंग होता है वैसा रंग रखते थे, उनको सुवर्ण कहा गया, जो भारत के काले लोग थे। और जिनका रंग नहीं था उनको अवर्णा कहा गया, अवर्ण कहा गया। तो जो उपल है, उपल का मतलब है नीला कमल। उपल वर्णा का मतलब है कि ऐसी महिला जिसके नीला कमल जैसा रंग है। एक बहुत धनी सेठ हुआ करते थे सावित्री के अंदर। सावित्री में उनकी एक सुंदर बेटी थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी, उसका जो रंग था वो नीले कमल जैसा था, तो नाम पड़ गया उपल वर्णा। उपल वर्णा इतनी सुंदर थी कि राजे से लेके और नीचे तक के जितने भी लोग थे वो सब उससे शादी करना चाहते थे, सब उसको ग्रहण करना चाहते थे, सब उसके साथ रहना चाहते थे। उपल वर्णा के मामा का एक लड़का था जिसका नाम था नंद माणवक। नंद माणवक उसको बचपन से बहुत आसक्ति थी उपल वर्णा के साथ में, बचपन से खेला बड़ा पैदा हुआ, तो उसे धीरे धीरे आसक्ति उसकी बढ़ती चली गई, उसके प्रति उसका राग बढ़ता चला गया। उपल वर्णा ने जब ये देखा कि हर एक व्यक्ति उसके शरीर को प्यार करता है, उसकी सुंदरता को प्यार करता है, उसके शरीर को पाना चाहता है, तो उसे शरीर से विरक्ति हो गई, शरीर से घृणा होने लगी, और वो भगवान बुद्ध के संग में शामिल हो गई, भिक्षुण संग में, और उसने वहां दीक्षित होकर दीक्षा ले ली, और वो इतनी पारंगत हुई दीक्षा में कि वो अर्हत भी हो गई। अब उसका सिर्फ इतना टाइम था कि वो अपना चारिका करती, थोड़ा बहुत खाना खाती, और अपने शरीर को पकने का इंतजार करने लगी। पकने का मतलब है कि जब उसकी डेथ और जब उसकी मृत्यु आ जाए। जो नंद माणक था, नंद माणक एक दिन जब वो चारिका करने गई भिक्षुणी उपल वर्णा, तो उसकी कुटिया में छिप गया, और जब वो वापस आई तो उसने उसके साथ में व्यभिचार किया, बलात्कार किया। क्योंकि उपल वर्णा भिक्षुणी बन गई थी, अर्हत बन गई थी, शरीर उसका कमजोर था, वैसे भी महिलाओं का शरीर कमजोर होता है, विरोध काम नहीं आया, और नंद माणक ने जबरदस्ती बलात्कार व्यभिचार किया। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकला, उसका एक पेड़ से सटकराया और वो मर गया, नंद माणक मर गया। ये कथा, ये कहानी भिक्षु संघ में चर्चा का विषय बनी, और भिक्षुओं ने पूछा कि क्या अब जो ये भिक्षुणी है, क्या ये अभी अर्हत है? तो भगवान बुद्ध तो पारगामी थे, पारगामी होने के नाते उन्होंने कहा कि जब नंद माणक ने व्यभिचार किया उस समय जो उपल वर्णा थी उसके मन में किसी भी प्रकार का संभोग का या व्यभिचार का या शरीर से कोई आसक्ति या राग का या कोई ऐसी तृष्णा उसके मन में नहीं थी। वो सिर्फ एक डेड बॉडी के हिसाब से थी, यानी कि जैसे जीवित लाश होती है, उसकी अपनी कोई कामना, अपनी कोई छंद या अपनी कोई इच्छा उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई, इसलिए वो जैसी अर्हत पहले थी वैसी अर्हत अभी भी है। तो उन्होंने पूछा कि नंद माणक क्यों मर गया, जैसे बाहर निकला पेड़ से टकरा के क्यों मर गया? तो भगवान ने बताया कि जो व्यभिचारी होता है, जो चोरी करता है, जो गलत काम करता है, जो पापी होता है, वो उसके पाप कर्म, उसकी जो बुद्धि है, जो उसकी समझ है, जो उसकी जानकारी है, और जो उसकी सहनशीलता है, उसको हर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। पाप कर्मी बहुत तेजी से अपने पाप कर्म को छुपाने के लिए भागता है, दौड़ता है, और उस चक्कर में वो असावधानी बस जल्दी से मारा जाता है,
अगर वो ना भी मारा जाए तो पाप कर्म उसको धीरे 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 उसके मन को मारते रहते हैं और वो बहुत सड़ सड़ के और गल गल के बेचैन होकर मरता है। और उसके बाद अगर वो थोड़े समय जीवित भी रहे तो जहां वो जन्म लेता है तब भी उसके निरय जो कम है, यानी कि जो उसके दुख वाले कम है, पाप वाले कम है, वो उसके साथ जाते हैं। जहां भी पैदा होगा वो दुख ही भोगेगा। और वैसे भी एक भिक्कू या एक भिक्कुणी के साथ व्यभिचार करना या उसे हत्या करना एक ऐसा अपराध है जिसका लाखों करोड़ों सालों तक कोई भी इलाज नहीं है। उसको निरय में उसको तीव्र वेदनाएं, उसको ऐसी वेदनाएं जो उसको दुख देती रहेंगी, वो सहनी ही पड़ेंगी। ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जिसको पाप बोलते हैं उसमें ये आता है। ऐसा कहकर उन्होंने देशना दी। आप अगर ध्यान देंगे तो अगर कोई चोर चोरी करता है तो वहां से तेजी से भागता है। अक्सर चोरी करने वाले जब भागते हैं तो उनकी मोटरसाइकिल कहीं टकरा जाती है या कहीं उनकी कार टकरा जाती है या टक्कर हो जाती है, या कहीं वो लड़खड़ा कर गिर जाते हैं या वो संभल के नहीं चल पाते, किसी से टकरा जाते हैं, या वो जल्दबाजी में अपना कोई सामान छोड़ जाते हैं, या वो आपस में लड़ बैठते हैं, या वो और अपराध का अपराध करते चले जाते हैं। ऐसी आपने हजारों पिक्चर देखी होगी कि जब अपराध करके अपराधी पिक्चर में भागता है, सिनेमा हॉल में भागता है, तो वो कंफर्टेबल नहीं रह पाता। उत्तेजना में और परेशानी में और अपने पाप कर्म को छुपाने के लिए लगातार लगातार परेशानी में उलझता रहता है। पुलिस पीछे पड़ जाती है, उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते, समाज में उसकी इज्जत नहीं होती, और जो चोरी का सामान वो लाता है उसे तो वो उपयोग भी नहीं कर सकता, किसी को बता भी नहीं सकता कि चोरी का सामान है इसलिए मैं उसको उपयोग कर रहा हूं। ये चीजें प्राकृतिक रूप से भगवान बुद्ध ने अपने जब धम्म का ज्ञान प्राप्त किया, बोधि प्राप्त की, तो उस समय उन्होंने एक एक चीज को एनालिसिस किया और देखा जो मन से और शरीर से दोनों जुड़ी हुई है, कि मन अगर चोर होगा तो शरीर कितनी तरह से बीमार होता है और मन अगर चोर नहीं होगा तो शरीर कितनी तरह से अच्छा होता है। धम्मपद गाथा नंबर 69 इस प्रकार से है, मधुवा मयति बालो याव पापंग ने पच्चति, यदा च पच्चति पापंग बालो दुखंग निगच्छति। मधुवा मयति बालो, मधुवा बोलते हैं शहद को, मयति माने मानता है, बालो माने मूड, याव माने जब तक, पापंग माने पाप को, ने माने नहीं, और पच्चति माने पकता है, यानी कि जब तक किसी मूर्ख का, इग्नोरेंट का, अज्ञानी का पाप नहीं पकता है, उसको दुख नहीं देता है, तब तक वो उसको मधु हनी और शहद जैसा मीठा मानता है। यानी जितना पाप कर्म करता है, चोरी करे, चकारी करे, व्यभिचार करे, यहां पर वो व्यभिचार कर रहा है तो वो उसको बहुत मीठा और बहुत अच्छा लग रहा है, जब तक उसका दुष्परिणाम, दुख परिणाम, दुख का परिणाम या उसका जो परिणाम आने वाला है खराब, जब तक वो नहीं आता, नहीं पकता। यदा च पच्चति पापंग बालो दुखंग निगच्छति, यदा च यानी जब, और पच्चति पकता है पाप, जब उसका पाप पकता है, बालो दुखंग निगच्छति, निगच्छति का मतलब गिर जाता है दुख में, बालो यानी मूड जो है, जो इग्नोरेंट है, जो अज्ञानी है, अपने पाप के पकते ही फिर वो दुख में गिर जाता है, फिर उसे कोई नहीं निकाल सकता, फिर वो मधु के समान मीठा नहीं रहता, फिर वो कड़वा हो जाता है, जहरीला हो जाता है। ये इस गाथा का है कि जो उसका भाई था, उस भाई ने जो पाप किया उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित हो गई और मृत्यु के बाद भी उसका छुटकारा नहीं होता। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
गच्छामि मनि सिखापदंस्मादियामि।